हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जयंती खांबी में। आज फिर आप के बीच में एक नई वीडियो लेकर आया हूं। एक ऐसी सब्जी आपको बताने जा रहा हूं जिस सब्जी के बिना अन्य सब्जी का कोई स्वाद नहीं होता। हर सब्जी में उस सब्जी को डाला जाता है और वो है आलू। इसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है आलू को, क्योंकि इस आलू की सब्जी के बिना अन्य सब्जी अधूरी हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं किस तरीका से आलू की जो खेती की जाती है, किस तरीका से आलू को बोया जाता है और किस तरीका से आलू को निकाला जाता है। आइए देखिए, मैं आलूओं को खेत में खड़ा हूँ। ये आलू के पेड़ हैं यहाँ पर देखिए, और ये जो आलू के पेड़ हैं यहाँ पर पहले छोटे छोटे आलूओं को यहाँ पर बीज लाया जाता है और बोया जाता है। उसके बाद इतने पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो आलू बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये जो आपको मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस मिट्टी में आलू होते हैं। इसे कस्सी के द्वारा या हम किसी ट्रैक्टर या मशीन के द्वारा इस आलूओं को यहाँ से निकालते हैं। ये देखिए, ये वही आलू के पेड़ हैं। उसके अंदर कम से कम एक पेड़ के अंदर 10-10, 15-15 आलू नीचे निकले होते हैं, और बहुत छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े भी आलू होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीका से हम ट्रैक्टर के द्वारा और उसके पीछे जो मशीन होती है, मशीन के द्वारा हम कैसे आलूओं को निकालते हैं। आइए आपको हम वो भी आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे जमीन से हम आलू को निकालते हैं। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे एक छोटी सी मशीन है, उस मशीन के द्वारा जमीन से आलूओं को निकाला जाता है। आइए आपको दिखाते हैं सारी प्रक्रिया को, किस तरीका से मशीन चलती है और मशीन के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए, ये मशीन आपकी आपके सामने यहाँ पर देखिए मशीन चल रही है, और ये आलूओं की जो खेती होती है, इन जमीन से इन आलूओं को निकाला जाता है। एक एक आलू आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और बाहर आ रहा है आलू। ये जमीन के अंदर ये चलती है, और जमीन से जो आलू निकलते हैं, यहाँ से जो ये घूम रहा है, यहाँ से निकल करके आलू आते हैं और आलूओं को फिर इकट्ठा किया जाता है। धीरे धीरे ये मशीन चलती है। बहुत सी जो खेतियाँ होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं और बहुत ढेर सारे आलूओं की बुवाई की जाती है, वहाँ पर ऐसी मशीन के द्वारा ही आलूओं को निकाला जाता है। ये देखिए, आप पूरी प्रक्रिया देखिए। ये ड्राइवर हैं जो धीरे धीरे ट्रैक्टर को चला रहे हैं और आलूओं को बाहर निकाल रहे हैं। आपने शायद नहीं देखा होगा, आलूओं की खेती आपने देखी होगी लेकिन बाहर आपको नहीं देखा होगा। ये जो आलूओं को निकलने के बाद ये आलूओं को इकट्ठा करते हैं। देखिए, छोटी छोटी बाल्टी इन्होंने ले रखी हैं और बाल्टियों के द्वारा इन आलूओं को इस बाल्टी में रखते हैं। उसके बाद फिर बोरियों में भरा जाता है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। ये देखिए कैसे आलूओं को, एक एक आलूओं को निकाला जाता है। कहीं छोटे आलू हैं, कहीं बड़े भी हैं और मोटे भी हैं। ये देखिए, आलूओं को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये यहाँ पर लेबर है और यहाँ पर ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है, और ये बोरियाँ हैं जिनमें बोरियों में आलू को भरा जाता है, सिलाई करके फिर मंडियों में इनको पहुँचाया जाता है। वैसे तो किसान की जो खेती होती है उसमें कम पैसे में वो फसल ली जाती है, कौड़ियों के दाम बिकती हैं। आइए आगे की प्रक्रिया भी आपको दिखाते हैं। देखिए, आइए देखिए, ये मशीन है और आपको अभी दिखाया है किस तरीका से आलू यहाँ मशीन के माध्यम से निकाले जाते हैं। ये देखिए, ये आलू बिल्कुल निकल के तैयार हैं। यहाँ से इकट्ठा करके यहाँ से बोरियों में भरा जाएगा। ये मशीन है और इस मशीन के द्वारा आलूओं को निकाला जाता है। देखिए, ये आपको देखा होगा, ये छोटी सी मशीन है, लेकिन छोटी बहुत है लेकिन बड़े काम की मशीन है। और इन आलूओं को यहाँ से निकाल करके और इकट्ठा किया जाएगा और तब इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। आइए हम दिखाते हैं किस तरीका से ये आपके आपके बने हुए हैं। यहाँ पर इस तरीका से इनको भरा जाता है और इनको ऐसे इकट्ठा करने के बाद, और देखिए ढेर सारे यहाँ पर बोरियाँ हैं, इनको ऐसा इकट्ठा करने के बाद और ट्रैक्टर में रख करके इनको बाजार में ले जाता है और वहाँ पर इनको बेचा जाता है। लेकिन जो किसान हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी कीमत बहुत कम मिलती है। यहाँ से इतनी मेहनत करने के बाद वो बाजार में जाते हैं तो ये आलू है या कोई फसल है, कौड़ियों के दाम बिकती है। कोई महंगाई नहीं है किसान के लिए, महंगाई नहीं है। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि किसान की भलाई के लिए उनकी फसलों को उचित मूल्य पर लिया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।